नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यमुना एक्सप्रेसवे के विकास की खबरें हम आए दिन अखबार में सुनते रहते हैं, वो हमारे द्वारा आप तक पहुंचाई गई हों या सोशल मीडिया के द्वारा आप तक पहुंचाई गई हों, लेकिन मैं आज जो बात करने जा रहा हूं उसमें निवेशक के लिए पहले उनका मन जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारा पर्पस क्या है। ज़रूरी नहीं कि रेजिडेंशियल में ही इन्वेस्ट करने के बाद आप अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं, उसके कई विकल्प हैं। जैसे अगर बात करें रेजिडेंशियल की, तो आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करके अपनी अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं, पैसे को अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। अगर बात करें कॉमर्शियल की, लेकिन आज अगर आप कॉमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं उसकी भी फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छी है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में कॉमर्शियल की अगर बात करें तो भविष्य में वहाँ कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे, अच्छी शॉप, अच्छी मार्केट बन जाएंगी, जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर बात करें इंडस्ट्रियल की, तो आप इंडस्ट्रियल के बारे में अगर सोच रहे हैं तो उसमें भी निवेश करके आप अच्छी रिटर्न पा सकते हैं। और भी ऑप्शन यहाँ हैं। जैसे बात करें फार्मिंग लैंड के बारे में, जी बिल्कुल, फार्मिंग लैंड के बारे में, जैसे गांव में जो कृषि की भूमि अभी अवेलेबल है, जिन गाँवों में अभी मुआवजा नहीं मिला है, आप वहाँ फार्मिंग लैंड में इन्वेस्ट करके भी अच्छी रिटर्न ले सकते हैं। भविष्य में वहाँ आपको मुआवजा मिल जाएगा, उस भूमि का मुआवजा मिलने के बाद भी आप अच्छी खासी रकम पा सकते हैं। जैसे अगर बात करें रेडी टू मूव, जैसे ग्रेटर नोएडा में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स का मन दो तरह का है। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो भविष्य में अच्छी ग्रोथ पाना चाहते हैं, कुछ का मन इस तरह का होता है कि मुझे रेडी टू मूव प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आज पैसा लगाऊँ कल मकान बना के रहने लगूँ। उसके लिए फिर आज की तारीख में अगर बात करें तो आपके लिए बेहतर विकल्प ग्रेटर नोएडा भी है। ग्रेटर नोएडा अगर आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करते हैं, आप इन्वेस्ट करने के बाद तुरंत मकान बनाने की स्थिति में ये शहर है, बहुत अच्छी ग्रोथ ग्रेटर नोएडा में भी आपको मिल सकती है। बात करें आवास की, ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंशियल ऑप्शन ज़्यादा हैं, रेजिडेंशियल सेक्टर्स ज़्यादा हैं यमुना की अपेक्षा। आज की दिशा में अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंशियल के सेक्टर्स अभी ज़्यादा हैं। जैसे बात करें यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंशियल कंपैरिजन में, उसमें आज ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अधिक है, लेकिन भविष्य में 15 सेक्टर भी रेजिडेंशियल में और बढ़ा दिए गए हैं। अगर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के 2041 के मास्टर प्लान की बात करें, उसमें 15 सेक्टर रेजिडेंशियल के और प्लस कर दिए गए हैं। भविष्य में रेजिडेंशियल के सेक्टर यमुना में भी काफ़ी हो जाएंगे, टोटल 70 सेक्टर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में होने वाले हैं 2041 के मास्टर प्लान में, क्योंकि बुलंदशहर के भी कुछ गांव उसमें मर्ज कर दिए गए हैं। लेकिन अभी बात करते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स के मन के बारे में हम बात कर रहे थे, आए दिन यमुना एक्सप्रेसवे में हमारे ही बीच में इस तरह की खबरें चल जाती हैं, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि अभी वहाँ कुछ नहीं है, वह जंगल है। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से बेहतर विकल्प अभी आज की तारीख में किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि देश विदेश की बड़ी बड़ी यूनिट्स, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहाँ निवेश करने के लिए आ रहे हैं। जहाँ तक बात करें निवेश की, निवेश यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में बेहतर विकल्प है, लेकिन अगर रेडी टू मूव का मन है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आज पैसा लगाऊं और आज ही मेरा मकान बनाकर मैं वहां रहने लगूं, उसके लिए ग्रेटर नोएडा आप सभी के लिए आज की तारीख में बेहतर विकल्प होगा। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी एरिया या ग्रेटर नोएडा से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.mannatgroupofrealestate.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।